हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तस्मीन दलवी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिंदी, चांगुकाना ठाकुर महाविद्यालय। आज का हमारा जो विषय है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी इस वीडियो में सोशल मीडिया के बारे में ये क्या होता है इसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सोशल मीडिया क्या है। सोशल मीडिया का अर्थ, सोशल मीडिया एक ऐसा मीडिया है जो बाकी सारे मीडिया यानी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और समानांतर मीडिया से अलग है। सोशल मीडिया इंटरनेट के माध्यम से एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाता है जिसे उपयोग करने वाला व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि का उपयोग कर पहुंच बना सकता है। आज के दौर में सोशल मीडिया जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है जिसके बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि सूचनाएं प्रदान करना, मनोरंजन करना और शिक्षित करना मुख्य रूप से शामिल है। सोशल मीडिया एक अपरंपरागत मीडिया है। यह एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाता है जिसे इंटरनेट के माध्यम से पहुंच बना सकते हैं। सोशल मीडिया एक विशाल नेटवर्क है जो कि सारे संसार को जोड़े रखता है। यह संसार का एक बहुत बड़ा माध्यम है। यह द्रुत गति से सूचनाओं के आदान प्रदान करने जिसमें हर क्षेत्र की खबरें होती हैं और हर क्षेत्र की खबरों को समाहित भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया सकारात्मक भूमिका अदा करता है जिससे किसी भी व्यक्ति, संस्था, समूह और देश आदि को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से समृद्ध बनाया जा सकता है। सोशल मीडिया के जरिए ऐसे कई विकासात्मक कार्य हुए हैं जिनसे कि लोकतंत्र को समृद्ध बनाने का काम हुआ है, जिससे किसी भी देश की एकता, अखंडता, कारण, पंथी निरपेक्ष समाजवादी गुणों में अभिवृद्धि हुई है। अब हम देखते हैं कि हर पहलू के दो बाजू होते हैं, जैसे एक सकारात्मक और नकारात्मक। तो इसमें हम देखेंगे कि सोशल मीडिया जो है वो सकारात्मक रूप से किस तरह से प्रभावित लोगों को प्रभावित करता है। पहला हम देखेंगे बच्चों पर पड़ता प्रभाव, यानी आज ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसे सोशल मीडिया के बारे में जानकारी ना हो। पूर्ण रूप से वो सोशल मीडिया के बारे में जानता है। आज का जो युग है, आधुनिक युग, सोशल मीडिया के नाम से ही जाना जाता है। यानी हर प्रकार की जानकारी बच्चों को सोशल मीडिया के द्वारा प्राप्त होती है, चाहे वो बच्चा छोटा हो, शिशु हो, किसी भी वर्ष का हो, हर प्रकार की जानकारी वो सोशल मीडिया के द्वारा प्राप्त करता है। शिक्षा के अंतर्गत सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यानी आज अगर हम किसी एक शिशु को देखें तो उसने मोबाइल फोन एक सोशल मीडिया का ही एक माध्यम है उसे पूर्ण रूप से अपना लिया है और हर प्रकार से वो उससे प्रभावित हो गया है। दूसरा प्रभाव हम देखते हैं महिलाओं पर पड़ता प्रभाव। यानी यदि हम पिछले पुराने युग में देखें तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जो पढ़ी लिखी नहीं थी, यानी शिक्षित नहीं थी, लेकिन उन्हें हर प्रकार की जानकारी उन तक नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन आज बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर महिलाएं भले ही पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें हर प्रकार की जानकारी वहां तक पहुंच रही है, चाहे फिर वो क्षेत्र फिल्म का हो या फिर किसी खाना पकाने की प्रतियोगिता हो या शिक्षित वर्ग हो। हर तरह से महिलाएं अपने आप को पूर्ण रूप से उसके अंतर्गत ढाल कर अपने आप को पूर्ण बना रही हैं। तीसरा हम यदि प्रभाव देखें तो युवाओं पर पड़ता प्रभाव, आज के जो युवा हैं किस तरह से उन पर सोशल मीडिया का प्रभाव पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो युवा युवा जो है फिल्म का उन पर प्रभाव पड़ रहा है। यानी हर तरह के अभिनेताओं को देखकर वो उनके जो चाल चलन है वो अपने जीवन के अंतर्गत आत्मसात करने का प्रयास करते हैं और हर तरह की अच्छी चीजें जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से, हर जो अलग अलग साइट्स होती है, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर तरह की साइट से वो सीखते हैं और उसको अपनाने का प्रयास करते हैं। चौथा जो हम प्रभाव देखेंगे वो है पुरुषों पर पड़ता प्रभाव। यानी पुरुष जो है सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह से प्रभावित हुए हैं इसके अंतर्गत हम जानेंगे। पुरुष जो होते हैं उन पर
नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा अपने व्यवसाय को किस तरह से बढ़ाएं, यानी यदि उन्हें किसी व्यवसाय को बढ़ाना है तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से उस प्रोडक्ट के बारे में या उस चीज वस्तु के बारे में जानकारी जो है वो पूरे विश्व में फैला देते हैं, जिससे अलग अलग लोगों को उनके प्रोडक्ट या वस्तुओं के बारे में जानकारी होती है और वो अपने व्यवसाय का प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं और उसका सकारात्मक प्रभाव उनके व्यवसाय पर पड़ता है। पांचवा जो प्रभाव हम देखेंगे वो वृद्ध वृद्ध जो व्यक्ति होते हैं उन पर किस तरह से पड़ता है, यानी आज का जो युग आधुनिक युग है इसके अंतर्गत लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो वृद्ध जो व्यक्ति है उसे समय दे सके। तो वृद्ध जो व्यक्ति होते हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से हर नई नई चीजों को सीखते हैं, आत्मसात करते हैं और अपने जीवन को कुशल बनाने का प्रयास करते हैं। यानी ये जो हमने सब देखा है यह सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रभाव। दूसरा जो पहलू है इसका वो है सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव, यानी किस तरह से सोशल मीडिया का जो नकारात्मक प्रभाव है वो अन्य लोगों पर पड़ता है। जहां हमने देखा कि बच्चों पर पड़ता प्रभाव यानी किस तरह से वो नई चीजों को सीखते हैं, उसी प्रकार नकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत यानी बच्चों पर किस तरह से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है वो हम देखेंगे। बच्चे जो होते हैं वो गलत तरह की जो जानकारी होती है वो सोशल मीडिया के द्वारा प्राप्त करते हैं, जैसे कुछ अश्लील बातें होती है या अन्य उन्हें कुछ चीजें जाननी होती है जो उनकी वर्ष के अनुसार नहीं होती, लेकिन फिर भी वो उन्हें जानने का प्रयास करते हैं और वो इस जाल में फंस जाते हैं और जो साइबर बुलिंग होती है या अन्य स्पैम होते हैं उसका शिकार हो जाते हैं। ये एक नकारात्मक प्रभाव बच्चों के जीवन पर पड़ता है। दूसरा है महिलाओं पर पड़ता प्रभाव, यानी महिलाएं जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य अभिनेताओं को या अभिनेत्रियों के जीवन चरित्र को देखती हैं, यानी किस तरह से उनका पहनावा है या किस तरह से वो चल रही हैं, उनकी चाल ढाल रंग, यानी हर जो गलत चीजें होती हैं उसको अपनाने में उसको आत्मसात करती हैं, आत्मसात करती हैं और आत्मसात करके वो अपने जीवन में अपनाती है और इसका जो नकारात्मक प्रभाव है इसके जीवन पर पड़ता है। तीसरा जो है वो युवाओं पर पड़ता प्रभाव, यानी युवा जो होते हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से पूर्ण रूप से नकारात्मक चीजों में चले जाते हैं, यानी यदि कोई युवा है उसका दोस्त गलत संगत में है तो वो भी उसे उस जगह उस माध्यम में ले जाता है जहां पर उसे नहीं जाना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए आज का जो युवा है उसके जीवन में सेक्स एक ऐसा शब्द है जो लोग पहले के जो लोग होते थे उन्हें बहुत शर्म महसूस होती थी, लेकिन आज के इस युग के अंतर्गत इन चीजों को आम माना जाता है और किसी भी युवाओं को ये चीज गलत नहीं लगती, तो ये नकारात्मक प्रभाव जो है युवाओं पर पड़ रहा है। चौथा जो हम देखेंगे वो पुरुषों पर पड़ता प्रभाव। पुरुष जो है जहां पर हमने सकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत देखा कि व्यावसायिक रूप से किस तरह से वो सोशल मीडिया का उपयोग करके अपने व्यवसाय का प्रचार प्रसार करते हैं, उसी प्रकार जो पुरुष होते हैं वो अन्य चीज जो हानिकारक होती है जो जीवन के अंतर्गत लोगों पर गलत प्रभाव डालती है उनका प्रचार प्रसार इस तरह से किया जाता है कि लोग उसके आदि हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए विमल या फिर जो एड दिखाई जाती है, विज्ञापन दिखाए जाते हैं रेडबुल, ये ऐसे ऐसे व्यवसायिक ऐसे प्रोडक्ट है ऐसे ऐसी वस्तुएं हैं जिसका गलत प्रभाव युवाओं पर पुरुषों पर मतलब हर तरह के जीवन पर पड़ता है। वृद्धों पर पड़ता प्रभाव, यानी वृद्ध आज के वृद्ध ऐसे हैं कि सोशल मीडिया जो साइट्स होती है उस पर अपना जो अलग प्रोफाइल बनाते हैं जिसके कारण लोगों को भ्रम उत्पन्न होता है और वो अपना गलत जो इम्पैक्ट होता है वो दूसरों पर डालते हैं। इस तरह से हमने जो देखा इसके अंतर्गत सोशल मीडिया क्या होता है, इसके सकारात्मक प्रभाव किस तरह से बच्चों पर पड़ते हैं, महिलाओं पर, युवाओं पर और पुरुषों पर, वृद्धों पर पड़ते हैं, उसी प्रकार दूसरा जो साइट है वो नकारात्मक प्रभाव किस तरह से बच्चों पर पड़ता है, महिलाओं पर पड़ता है, युवाओं पर, पुरुषों पर और वृद्धों पर। धन्यवाद।